अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द चेंज एंड व्हाट आर द बैरियर्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, एक दो वीडियोस के अंदर, हमने कंस्ट्रेंट लेआउट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर लिया था। अगर हम उसको कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो हमने देखा था कि व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट लेआउट, हमने देखा था कि कैसे हम कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मल्टीपल व्यूज़ को आपस में किस तरह से कनेक्ट करते हैं यूजिंग देयर कंस्ट्रेंट्स। एंड देन उसके साथ हमने ये भी देखा था कि हम मल्टीपल व्यूज़ को स्क्रीन के अंदर किस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि यूजिंग गाइडलाइंस। हमने देखा था कि हम किस तरह से परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं कि कितने परसेंट एरिया में कौन सा व्यू आना है। आज की वीडियो में जो हम चीज़ें देखने जा रहे हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेन है एंड सेकेंड इज़ द बैरियर्स। हम देखेंगे कि इन दोनों का क्या यूज़ है। हमने कंस्ट्रेंट लेआउट से पहले जब यूआई बनाई थी तो हमने बनाई थी यूजिंग लीनियर लेआउट एंड देन फ्रेम लेआउट। लीनियर लेआउट के अंदर आपने देखा था कि हमारे पास जितने भी व्यूज़ हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं, लाइक आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जो आपके व्यूज़ हैं दे कैन गो एनीवेयर, आप उनको कहीं भी ऐड कर सकते हैं, कहीं भी उनको कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप अपने कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर व्यूज़ को लीनियरली ऐड करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे व्यूज़ लीनियरली एक लाइन में कनेक्ट हो जाए आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चेंज यूज़ करते हैं, मल्टीपल व्यूज़ को चेंज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम वहाँ पर देखते हैं कि हाउ कैन वी कनेक्ट डिफरेंट व्यूज़ यूजिंग चेंज इन कंस्ट्रेंट लेआउट। तो जी, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम अभी ये कर लेते हैं कि हम एक न्यू एक्टिविटी बना लेते हैं। व्हाट आई कैन डू इज लाइक आई कैन राइट क्लिक ऑन दिस न्यू एंड देन आई कैन क्लिक ऑन एक्टिविटी एंड फिर इसमें एम्प्टी एक्टिविटी पे मैं क्लिक कर लूँगा। एक्टिविटी का नेम मैं दे दूँगा, लेट सपोज वी कैन कॉल इट एक्टिविटी कंस्ट्रेंट, वट एवर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। हमने इसको एक्टिविटी कंस्ट्रेंट का नेम दे दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक्टिविटी बन चुकी है और हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो तो सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो एक्टिविटी कंस्ट्रेंट के नाम से। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम अपने मैनिफेस्ट में जाएंगे। मैनिफेस्ट में जाने के लिए आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे टॉप पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एग्जामल की फ़ाइल है, आप इस पर डबल क्लिक करें और आपके पास एक्टिविटी कंस्ट्रेंट यहाँ पर शो हो रही होगी। हेयर इट इज़, आप जैसा कि देख रहे हैं एक्टिविटी कंस्ट्रेंट है। आप क्या करेंगे कि मेन एक्टिविटी में जो इंटेंट फिल्टर है इसको आप कट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और आप इसको कंट्रोल वी कर देंगे एक्टिविटी कंस्ट्रेंट के साथ। और इसके साथ आपको अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको एरर आ रहा है, इसके लिए आपको एक्सपोर्टेड को ट्रू करना होगा, एक्सपोर्टेड को ट्रू करना होगा। तो आप जो भी एक्टिविटी को चाहते हैं कि वो सबसे पहले शो हो उसके लिए आप ये वाला इंटेंट फिल्टर यूज़ करते हैं जिसके अंदर आप एक्शन डिफाइन करते हैं, एक्शन मेन और उसकी कैटेगरी लॉन्चर की बताते हैं, तो वो एक्टिविटी सबसे पहले आपकी ऐप के अंदर शो होगी। तो हम अपनी एक्टिविटी कंस्ट्रेंट को हमने एज अ मेन एक्टिविटी सेट कर दिया है। अब जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि हम एक्टिविटी कंस्ट्रेंट की एग्जाम्पल फाइल में चले जाते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर चेंज को एक्सप्लोर करना है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल व्यूज़ को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक वी कैन ऐड अ टेक्स्ट व्यू, देन वी कैन ऐड लेट्स सपोज अ बटन, फिर हम एक इमेज व्यू को ऐड कर लेते हैं। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट, कुछ भी अवतार को मैं यूज़ कर लेता हूँ। Let me just zoom in a little bit. I think this will be okay. और उसके साथ हम एक दो और टेक्स्ट व्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने कुछ व्यूज़ ऐड कर लिए हैं लेकिन इनके मैंने कंस्ट्रेंट्स डिफाइन नहीं किए। अगर आप इस टेक्स्ट व्यू को देखें तो इस टेक्स्ट व्यू के कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं लगे हुए और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे एक वार्निंग शो हो रही है कि मिसिंग कंस्ट्रेंट्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट, क्लिक द बैज फॉर डिटेल। तो
जब आप कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाते तो आपके पास ये एरर शो करवाता है कि आपको कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं। और लेट सपोज अगर आप कंस्ट्रेंट्स ऐड नहीं करते, लेट सपोज हम क्या करते हैं, हमने कुछ व्यूज़ को ऐड किया है, हम सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो लेट्स सी कि ये व्यूज़ हमारे पास हमारे एमुलेटर के अंदर किस तरह से शो होते हैं। अभी हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हम देख लेंगे कि अभी जिन व्यूज़ के हमने कंस्ट्रेंट्स ऐड नहीं किए हुए वो किस तरह से हमारे एमुलेटर के अंदर शो होंगे। जी गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अगर आप इसके प्रीव्यू के अंदर देखें तो हमने इसके अंदर 4 व्यूज़ को ऐड किया था, एक टेक्स्ट व्यू, एक बटन, एक इमेज व्यू एंड देन अगेन अ टेक्स्ट व्यू। लेकिन हमारे पास जितने भी सारे व्यूज़ थे वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने किसी भी व्यू के कोई कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किए थे। अगर हम XML में आ जाए, जैसा कि ये एक टेक्स्ट व्यू है टॉप वाला, दिस वन, इसकी अगर हम XML में देखें, वी हैव अ रेड लाइन जो कि एरर शो कर रही है एंड द एरर इज दिस व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंट, इट ओनली हैज डिजाइन टाइम पोजिशंस, तो इट विल जम्प टू 00 एट रन टाइम अनलेस यू एड द कंस्ट्रेंट्स, कि अगर आप इसके कंस्ट्रेंट्स ऐड नहीं करेंगे तो ये 00 पोजिशन में चला जाएगा, विच इज दिस वन। तो हमें इसके कंस्ट्रेंट्स ऐड करने होंगे जिसकी वजह से ये व्यूज अच्छी तरह शो हो पाएंगे। तो हम जो चीज़ देख रहे थे, हमने ये देखना था कि हाउ वी कैन ऐड चेंज, हम इन व्यूज़ को एक लीनियर फॉर्म में, जिस तरह के लीनियर लेआउट में हम करते हैं, हम कैसे शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप ये करें कि जिन व्यूज़ को आप एक चेन के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, आप उन व्यूज़ को सबको सिलेक्ट कर लें, आपने टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया, आप कंट्रोल प्रेस करके बटन पे क्लिक कर लें, देन अगेन कंट्रोल प्रेस करके इमेज पे एंड देन कंट्रोल प्रेस करके टेक्स्ट व्यू पे। जब आप इन सब व्यूज़ को सिलेक्ट कर चुकेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन यू विल सी चेंज ऑप्शन, आप चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट वर्टिकल चेन। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे व्यूज़ आपस में एक चेन के साथ कनेक्ट हो गए हैं एंड दिस चेन इज गना मेक देम लीनियर, वर्टिकली लीनियर। अभी अगर हम इसको रन करके देखते हैं क्विकली कि हाउ इट लुक्स ऑन द स्क्रीन नाउ, तो अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो व्यूज़ हैं वो सारे के सारे लीनियरली शो हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। और जी ये देखें, जैसा कि अभी हमारे पास जो व्यूज़ हैं ये सारे के सारे एक लाइन के अंदर शो हो रहे हैं। अगर हम इनको सेंटर में करना चाहते हैं तो हम इनके लेफ्ट राइट कंस्ट्रेंट्स भी लगा लेंगे। लेट सपोज हम इस बटन के लेट सपोज लेफ्ट राइट कंस्ट्रेंट्स लगा लेते हैं और हम ये करते हैं कि वी जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, इसको कनेक्ट कर देते हैं राइट के साथ एंड देन अगेन हम ये काम करते हैं कि हम इसको भी लेफ्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और अब अगर हम इसको रन करेंगे, लेट्स सी कि इसमें हमारे पास अब क्या चीज़ सामने आती है। जी तो जैसा कि आपने देखा है कि हमारा जो बटन है अब ये सेंटर में आ चुका है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे व्यूज़ हैं दोज आर ऑल स्टिल ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि हमने उसके लेफ्ट और राइट कंस्ट्रेंट नहीं बताए हुए। सो व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक वी कैन जस्ट कनेक्ट, हम इसको टेक्स्ट व्यू को भी चले हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं एंड पे। इसको कंस्ट्रेंट्स को कनेक्ट करने का एक और क्विक वे ये है कि लाइक अगर आप इसको कॉर्नर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक आप यहाँ पे क्लिक करें डिज़ाइन में, आप इस प्लस पे क्लिक करें तो इट विल कनेक्ट इटसेल्फ, इस प्लस पे क्लिक करें इट विल कनेक्ट इटसेल्फ एंड देन आप यहाँ से इनकी जो विड्थ मार्जिन है उसको ज़ीरो कर दें। एंड द सेम थिंग आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इमेज के लिए इमेज पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया ज़ीरो एंड ज़ीरो, एंड इस टेक्स्ट व्यू के लिए भी आप यही कर सकते हैं। इस टेक्स्ट व्यू के लिए आप इस पे क्लिक करें, इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करें, अगेन प्लस पे क्लिक करें, आप ज़ीरो पे क्लिक करें, मार्जिन ज़ीरो अप्लाई कर दें एंड नाउ अगर अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये जितने भी व्यूज़ हैं ये सब सेंटर के अंदर आ जाएंगे। जी अब जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्स्ट व्यू बटन, हमारे पास इमेज व्यू शो नहीं हो रहा, लेकिन हम उसको देख लेंगे बाद में कि हम वो क्यों नहीं शो हो रहा एंड देन हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू है वो भी सेंटर में शो हो रहा है। जी अब हमने जैसा कि इसके अंदर चेंज
तो लगा दी है। अब ये सारे के सारे व्यूज एक चेन के साथ आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इसके अंदर चेन्स के कुछ और भी ऑप्शन फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स डू कंट्रोल जी, आप राइट क्लिक करें किसी भी व्यू के अंदर जो कि चेन के अंदर है, आप क्लिक करें चेन्स पे, लेट्स डू ऑन दिस वन, आप चेन्स पे क्लिक करें और वर्टिकल चेन स्टाइल देखें। हमने चूंकि इसके ऊपर वर्टिकल एक चेन लगाई हुई थी, तो वर्टिकल चेन के कुछ स्टाइल्स हो सकते हैं, जैसा कि अगर आप पैक्ड करते हैं तो अब आप देखेंगे आपके सारे व्यूज आपस में पैक हो गए हैं। नाउ वी डू हैव टू अदर ऑप्शंस एज वेल, हम उनको भी देख लेते हैं। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, हम चेन्स पे क्लिक करेंगे, वर्टिकल चेन स्टाइल एंड स्प्रेड कर देंगे, तो इट विल लाइक स्प्रेड इटसेल्फ। एंड जो थर्ड ऑप्शन है हमारी, दैट इज स्प्रेड इनसाइड, एंड स्प्रेड इनसाइड से क्या होगा कि ये कम्प्लीटली अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे। तो ये तीन ऑप्शंस हैं चेन्स के, कि जब आप डिफरेंट व्यूज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं यूजिंग चेन्स, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो व्यूज़ किस तरह से शो होंगे, वो पैक शो होंगे या फुली एक्सटेंडेड शो होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल थी हमारे पास वर्टिकल चेन्स की। सेम इसी तरह से हम कुछ व्यूज़ को हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। चले हम कुछ व्यूज़ को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ से प्रोजेक्ट में नहीं, पैलेट में आ जाएंगे। यहाँ से हम लेट्स सपोज टेक्स्ट व्यू को ऐड कर लेते हैं, एक और टेक्स्ट व्यू को ऐड कर लेते हैं, एंड देन एक और टेक्स्ट व्यू को ऐड कर लेते हैं। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटल बिट, इसको भी हम मिनिमाइज करते हैं इसको भी, और डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम इन तीनों टेक्स्ट व्यूज़ को, इसको क्लिक किया, आप यहाँ से भी जा सकते हैं इस विंडो से, लेफ्ट में टेक्स्ट व्यू 5 पे क्लिक करें, कंट्रोल क्लिक करके टेक्स्ट व्यू 6 पे, देन कंट्रोल टेक्स्ट व्यू 7 पे, आप इन पे राइट क्लिक करें, चेंज एंड देन क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो चेन बनी है, नाउ इट्स अ हॉरिजॉन्टल चेन। पहले हमने एक वर्टिकल चेन बनाई थी, हम इसका जो टॉप है और बॉटम है उसको इस तरह कनेक्ट कर लेते हैं, सो दैट इट बिकम्स गोज इन द सेंटर। तो अब जैसा कि हमने इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल चेन ऐड कर ली है, तो सेम हम इसके ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल चेन स्टाइल आपके पास आ रहा है। आप इसमें पैक पे क्लिक कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्प्रेड को देख सकते हैं, एंड देन द सेम थिंग गोज फॉर हॉरिजॉन्टल के अंदर स्प्रेड इनसाइड को भी, जिससे ये फुली एक्सटेंड हो जाएंगे। तो गाइज, ये थी हमारी चेन्स की अंडरस्टैंडिंग फॉर कंस्ट्रेंट लेआउट, के व्हाई वी यूज चेन्स। चेन्स का काम है कि डिफरेंट व्यूज को आपस में कनेक्ट करना, एंड देन कनेक्ट उनको एक लीनियर फॉर्म में करना, जैसा कि हम लीनियर लेआउट के अंदर व्यूज को ऐड करते हैं या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो सेम थिंग हमने यूज की है चेन्स के थ्रू इन कंस्ट्रेंट लेआउट। जी गाइस, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन यूज़ द बैरियर्स इन आर कंस्ट्रेंट लेआउट, बैरियर्स का फ़ायदा क्या है और क्यों हम यूज़ करते हैं बैरियर्स को कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। तो अभी जैसा कि आप अपने ये लैपटॉप की स्क्रीन पे हमारे देख रहे हैं, हमारे पास एक यूआई है जिसमें हमारे पास दो चीज़ें शो हो रही हैं, फर्स्ट नेम एंड देन उसकी वैल्यू, एंड देन हमारे पास एक और टेक्स्ट व्यू है विच इज़ सपोज टू बी कमिंग बीनीथ बोथ ऑफ दीज टेक्स्ट व्यूज। लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट नेम है एंड जॉन है। अगर मैं इस टेक्स्ट व्यू का टॉप वाला कंस्ट्रेंट फर्स्ट नेम के बॉटम से कनेक्ट कर दूंगा, तो नाउ यू कैन सी कि जो हमारा ये वाला टेक्स्ट व्यू है, इट इज़ कमिंग बीनीथ द फर्स्ट नेम, विच इज़ फाइन, जो कि हमें ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट नेम की का टेक्स्ट इंक्रीज कर दूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मैं इसका टेक्स्ट इंक्रीज कर देता हूं, मैं यहां से इसको सर्च करके टेक्स्ट पे जाता हूं, यहां से मैं इसको फर्स्ट नेम को कॉपी कर लेता हूं, एंड देन हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फर्स्ट नेम बढ़ रहा है, टेक्स्ट व्यू इज कमिंग बीनीथ, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आ रहा है, विच इज़ द फाइन बिहेवियर, जो कि हमें चाहिए भी। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर ये जो सेकंड टेक्स्ट व्यू है जिसमें जॉन लिखा हुआ है, हम इसको दोबारा फर्स्ट नेम पे सेट कर देते हैं, इसको हम फर्स्ट नेम पे सेट कर देते हैं, एंड देन हम ये करते हैं कि हम जॉन को इंक्रीज करते हैं, हम जॉन को कॉपी करते हैं, हम इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर देते हैं। एंड अब अगर आप देखें तो हमारी जो
जो तरतीब है, जो हमारा जो व्यू है वो सारा ख़राब हो गया है। उसकी वजह ये है कि ये वाला टेक्स्ट व्यू जो है ये सिर्फ फर्स्ट नेम के नीचे है, इट इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट नेम ओनली। इसका इस सेकंड जो टेक्स्ट व्यू है जिसमें जॉन लिखा हुआ है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो व्हाट वी वांट कि ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है ये इन दोनों के नीचे आए। हमारा जो टॉप कंस्ट्रेंट है वो सिर्फ एक व्यू के साथ लग सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये वाला व्यू ये इन दोनों व्यूज के नीचे आए। तो उसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, उसको हम कहते हैं बैरियर्स। तो हम बैरियर को यूज़ करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम आप यहाँ पे टॉप पे जाएंगे, दिस वन जहाँ पे गाइडलाइंस लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल बैरियर पे। आपने इस पर क्लिक किया एंड देन आपके पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक बैरियर शो हो गया है, ठीक है, बैरियर टू यहाँ पे साइड लेफ्ट पे शो हो गया है। नाउ आप ये बताएंगे कि कौन कौन से व्यूज के साथ आप ये बैरियर लगाना चाहते हैं। लेट सपोज एक ये व्यू है टेक्स्ट व्यू 8 एंड देन दिस व्यू, आप इन दोनों व्यूज को सिलेक्ट करेंगे, आप इनको ड्रैग करके बैरियर टू के अंदर ले आएंगे। तो अब बैरियर टू के अंदर कितने व्यूज हैं? दो व्यूज हैं। अभी जैसा कि अगर आप देखें तो हमारा ये जो बैरियर है दैट इज ऑन द टॉप ऑफ इन बोथ ऑफ दीज व्यूज। हम चाहते हैं कि ये जो बैरियर है ये इन दोनों व्यूज के नीचे आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल में आ जाते हैं, हम बैरियर के अंदर आ जाते हैं, ये जो हमारा बैरियर का जो टैग है, और इसमें टॉप की बजाय हम इसकी डायरेक्शन जो है वो हम बॉटम कर देते हैं। तो अब हमारा जो जो बैरियर है अब इसके बॉटम पे आ चुका है, और अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो कंस्ट्रेंट हमने ऐड किया था टॉप वाला, ये जो हमने इस टेक्स्ट व्यू का टॉप वाला जो कंस्ट्रेंट ऐड किया था, इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैरियर के साथ। आई थिंक देर इज सम इशू विद कंस्ट्रेंट लेआउट एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, कुछ इशू है कि जिसमें आप यूआई के अंदर से इसको बैरियर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप स्प्लिट में जाके एग्जाम्पल में जाके यहाँ पे इसका कंस्ट्रेंट बताते हैं, व्हाट यू कैन से इज कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ बैरियर टू। तो अब जैसा कि आपने देखा है कि हमारा जो व्यू है वो इस बैरियर के साथ कनेक्ट हो चुका है। नाउ दिस व्यू इज कनेक्टेड टू बोथ ऑफ दीज व्यूज, फर्स्ट नेम के साथ भी एंड जॉन के साथ भी। तो अगर हमारा फर्स्ट नेम इंक्रीज होता है फिर भी ये टेक्स्ट व्यू नीचे आ जाएगा, और अगर हमारा जॉन वाला टेक्स्ट इंक्रीज होता है तो फिर भी ये टेक्स्ट व्यू नीचे आ जाएगा। हम इसको करके भी देख लेते हैं। हमारे पास दिस इज द फर्स्ट नेम, इसके अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट है इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं और ज़्यादा, कंट्रोल सी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ काफ़ी दफ़ा इसको, तो नाउ यू कैन सी कि जब इसका टेक्स्ट पड़ा है तो टेक्स्ट व्यू कम्स बॉटम, दिस टेक्स्ट व्यू कम्स डाउन। उसकी वजह यह है कि हमने इसको बैरियर के साथ कनेक्ट किया है, ना कि इन दोनों में से किसी टेक्स्ट व्यू के साथ। और लेट सपोज हमारा ये जो जॉन वाला टेक्स्ट व्यू है, अगर इसके अंदर टेक्स्ट और बढ़ जाए तो हम इसको कंप्लीट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड देन मैं क्या कर लेता हूँ कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट व्यू और नीचे आ रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग बैरियर्स कि आप एक व्यू को एट अ टाइम मल्टीपल व्यूज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि ये व्यू इन सारे व्यूज के बॉटम पे आए, या इन सब व्यूज के टॉप पे आए, या इन सब व्यूज के लेफ्ट पे आए। तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग बैरियर्स, और बैरियर की आप डायरेक्शन बता सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हम उसकी डायरेक्शन या टॉप बता देंगे या बॉटम बता देंगे या लेफ्ट बता सकते हैं या राइट बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमने चीज़ें देखी हैं उसके अंदर हमने एक देखा है कि व्हाट आर द चेंज इन कंस्ट्रेंट लेआउट, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड सेकेंडली हमने ये देखा है कि व्हाट आर द बैरियर्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट। तो ये कुछ चीज़ें थी कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, इनको आप प्रैक्टिस करें, इनको यूज़ करके कुछ यूआई बनाने की कोशिश करें, एंड लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन के अगर आपको किसी किस्म की भी क्वेश्चन हैं तो वो आप हमें काइंडली ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।